गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स माइस दिनेश शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सी आर टी जयपुर नाउ कंटेंट इज कंबन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन देखिए बच्चों आज हम कंबस्टन पे न्यूमेरिकल किस तरह से शोल्व करना है वो आपको बताएंगे यानी कोई भी फ्यूल को बर्न करने के लिए मिनिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं आज हम इसमें ये देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें कुछ कॉमन कंबेशन रिएक्शंस को देखनी है जिसमें एक चीज का आप ध्यान रखना कि कोई भी फ्यूल गैसेज है अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो सीओ और वाटर बनाना है आपको सबसे पहले सीओ और वाटर बनाना है उसके बाद उनको बैलेंसिंग करना है दोनों साइड बैलेंसिंग करना है अगर बैलेंस करना आपको आ गया तो न्यूमेरिकल आपका सही हो जाएगा देखिए मैं कुछ रिएक्शन आपको बता रहा हूं सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एसओ बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड हाफ O2 से रिएक्शन करके सीओ बनाती है या कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सीओ बनाती है दो रिएक्शन होंगे इसमें हाफ ओटू से भी हो सकती है ओ से भी हो सकती है सी एच फोर मीथेन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हैं सी ओ टू प्लस वाटर सी टू एच फोर को ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सीओ टू प्लस वाटर तो अब आप देखिए कि सी टू एच टू केस में सीओ टू प्लस वाटर बनाना है ये तो आपको ध्यान रखना है अब कार्बन कितना है इधर लेफ्ट साइड दो तो वहां पर कार्बन कितना है एक इसलिए दो आगे लगा दो दो कार्बन हो गया ऑक्सीजन कितनी हो गया चार और एक वाटर के साथ पांच तो ऑक्सीजन के आगे ओ टू जहां रिएक्शन कर रही है वहां पे फाइव बाई टू आप लिख दीजिए ठीक है हाइड्रोजन कितनी है दो एच टू हाइड्रोजन इस तरह से आपको बैलेंस करना इसी तरह सी फोर एच टेन थर्टीन बाई टू ओ टू के साथ रिएक्शन करती है तो फोर सी ओ टू प्लस फाइव एच टू बनाती है सी टू एच सिक्स प्लस सेवन बाई टू ओ टू सी टू प्लस वाटर बनाएगा टू सी टू प्लस थ्री एच टू सी थ्री एच एट प्लस फाइव ओ टू थ्री सी ओ टू प्लस फोर एच टू बनाएगा सी फोर एच एट सिक्स ओ टू के साथ रिएक्शन करके फोर सी ओ टू प्लस फोर वाटर बनाएगा इस तरह से कोई भी गैस आपको जलानी है उसमें सी टू प्लस वाटर बनेगा और ऑक्सीजन का बैलेंसिंग नंबर आपका सही होना चाहिए तो सबसे पहले रिएक्शन कंप्लीट करना उसके बाद उसका बैलेंसिंग को ऑक्सीजन का बैलेंसिंग नंबर को सही इसके बाद आता है कि नाइट्रोजन एस और सीओ टू द फ्यूल अगर फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन है एस यानी राख है और कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये फ्यूल के अंदर इनकम्बस्टेबल मैटर है यानी ये जलते नहीं है ये देयर फोर दे डू नॉट टेक एनी ऑक्सीजन ड्यूरिंग द कम्बस्टन ये कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं थर्ड स्टेप आता है इसका मिनिमम और नेट ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर कंप्लीट कंबेशन कैन बी कैलकुलेट सब्ट्रैक्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल यानी मिनिमम और नेट ऑक्सीजन को निकालने के लिए फ्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हम मेन ऑक्सीजन में से माइनस घटा देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास थ्योरटिकल थ्योरिटिकल ऑक्सीजन रिक्वायर आ जाएगी डेट मीन्स नेट और मिनिमम ओ टू बराबर थ्योरिटिकल ओ टू माइनस रिक्वायर ओ टू प्रेजेंट इन द फ्यूल दिकल और टोटल इन दमाउंट ऑफ ओटू रिक्वायर इन दिजल्ट में आपने ऑक्सीजन मिनिमम निकाली है उसमें से फ्यूल के अंदर ऑलरेडी है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे नेट ओटू आ जाएगा अब हम ये मान के चलते हैं कि जो एयर में कंपोजिशन होता है ओटू का बाई वॉल्यूम इक्कीस परसेंट होती है और बाई वेट ट्वेंटी थ्री परसेंट होती है सो अमाउंट ऑफ एयर बी कैल्कुलेट फ्रॉम द Minimum ऑफ of वेट ऑफ एयर 21 रेगुलर regular O2. इसी तरह कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन की एयर में बात करें तो 77 सेवन परसेंट बाई वेट होता है 79% नाइन परसेंट बाई वॉल्यूम होता है तो यानी टोटल मोलिकुलर एयर का मोलिकुलर वेट निकालता है 28.92 होता है थर्टी टू इंटू जीरो पॉइंट टू थ्री प्लस ट्वेंटी एट इंटू जीरो पॉइंट सेवेंटी सेवन इज्क्ल टू ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन टू यानी बत्तीस ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट इंटू तेवीस परसेंट होती है तो तेवीस डिवाइड सौ यानी पॉइंट टू थ्री प्लस सतहत्तर बाई वेट नाइट्रोजन होती है और अट्ठाइस उसका क्या होता है मोलिकुलर वेट होता है दोनों तो को मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ते हैं तो अट्ठाइस पॉइंट एयर का वेट आ जाता है ठीक है इसके बाद हम क्या करते हैं वन ग्राम मोल ऑफ गैस ऑक्यूफाइड ऑक्यूफाइड 22.4 टू लीटर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 सिक्सटी एमएम ऑफ एच वी कैन से देर द वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एज एच टीपी मॉलिकुलर वेट, मास, यानी एक ग्राम मोल ऑफ गैस एस पे बाईस पॉइंट चार लीटर मान के चलते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज मेजर अंडर द सम कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स द आइडियल गैस लॉ जनरली पी वी बराबर एनआरटी होता है ठीक है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर भी इक्वल एट वन एटमोस पी वन वी वन डिवाइड टी वन बराबर पी टू वी टू वी वन ऑफ एयर ओ टू रिक्वायर एट पर्टिकुलर प्रेशर पी वन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर टी वन कैन बी कन्वर्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वी टू एंड अदर प्रेशर पी टू एट द टेम्परेचर टी टू यानी डियर स्टूडेंट अब हम आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहे हैं देखिए सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल लिया है अप्रोक्सीमेट मैं एयर में एक चीज और रहेगी आपको बता देता हूं मिनिमम एयर निकालने के बाद सबसे पहले नेट ऑटो निकालनी है उसके बाद मिनिमम वेट ऑफ एयर का निकालना है यानी जो आएक, उसको हंड्रेड बाई ट्वेंटी थ्री हंड्रेड बाई ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद परसेंटेज अगर निकालने की जरूरत पड़ती है तो जितना परसेंट एक्सेस अमाउंट दिया है उतना ही एक्सेस अमाउंट उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे फिफ्टी एक्सेस सप्लाई है तो वन फिफ्टी डिवाइड के साथ अपन हंड्रेड के साथ उसको मल्टीप्लाई और कर देंगे अपन ठीक है वो हम न्यूमेरिकल में आपको बता देंगे जैसे मान लीजिए पचास परसेंट एक्सेस एयर और दी हुई है तो जो नेट ऑटो आ रही है उसको वन फिफ्टी अपन हंड्रेड से डिवाइड और कर देंगे अब देखिए न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल है अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल में अप्रोक्सीमेट प्रैक्टिकल भी है फर्दर हिटेड सेवन हंड्रेड डिग्री मफल फर्ड कंटेन्ट मास 0.25 ग्राम ऑफ रेड्यूज वाज़ ऑप्टेम तो कैलकुलेट द परसेंटेज रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस एनालिस स्टेट व्यूफ एस ऑफ बिलो

सात के लिए हमने रखा तो उसमें मैटर तो 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 आ गया अब मास ऑफ एस कितना बचा पॉइंट टू फाइव बचा तो पॉइंट टू फाइव एस कंटेक्ट मास ऑफ एस बटा मास ऑफ कोल पॉइंट टू फाइव डिवाइड टू पॉइंट जीरो इंटू हंड्रेड तो बारह पॉइंट तो एनालाइज़ ऑफ़ फिक्स कार्बन बताएं परसेंटेज़ ऑफ़ कार्बन इक्वल 100 माइनस परसेंटेज़ ऑफ़ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज़ ऑफ़ वॉलेटेल प्लस परसेंटेज़ ऑफ़ एस तो 100 माइनस 15 प्लस 20 प्लस 12.5 तो 100 माइनस 47.5 तो यानी कि 52.5 परसेंट ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का न्यूमेरिकल है प्रोक्सीमेट एनालिसिस के अंदर हम किसी भी कार्बन कंटेंट की अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर वॉलेटाइल मैटर एस कंटेंट फिक्स कार्बन निकालते हैं इसमें तीन स्टेप होते हैं पहला स्टेप मॉइस्चर निकालने के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है फिर उसको वेट कर लिया जाता है कितना कम हुआ उसके बाद सात मिनट के लिए 950 डिग्री पर कवर करके रखते हैं तो उसके बाद उसे निकाल लेते हैं कि हम इसमें कितने जो वेट रिड्यूज होगा उसका वोटाइल मैटर होता है और लास्ट में जो हमारे पास बचता है उसको हम डायरेक्ट मफल फर्नेस के अंदर बर्न कर देते हैं तो बर्न करने के बाद जो भी एस कंटेंट आता है उसका वेट ले लेते हैं और वेट करने के बाद वो उसकी एस कंटेंट कहलाती है तीनों को जो मॉइस्चर वोलेटाइल मैटर और एस कंटेंट तीनों को जोड़ के अगर हंड्रेड में से सप्रेट कर देते हैं तो फिक्स कार्बन आ जाता है ठीक है नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल देखिए जीरो पॉइंट जीरो थ्री नाइन ग्राम ऑफ वाटर एंड जीरो पॉइंट टू फोर फाइव ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ये न्यूमेरिकल के फर्स्ट सेम के फर्स्ट में पूछा गया है इसमें क्या करना है हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेज आपको निकालना है अब आपको सभी को पता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन वॉटर बनाता है और के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है तो देखिए वेट ऑफ कॉल सैंपल इसने दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू सिक्स वेट ऑफ वाटर कितना बनता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री नाइन वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जीरो पॉइंट टू फोर फाइव अट्ठारह ग्राम वाटर कंटेंट दो ग्राम हाइड्रोजन दो बटे अट्ठारह इंटू जीरो पॉइंट जीरो थ्री नाइन इंटू So है। इसी तरह 45 ग्राम चम्बालीसू किस बारह ग्राम कार्बन से एक के लिए बारह बटा इसलिए जीरो पॉइंट टू फाइव ग्राम कंटेंट कितना होगा इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू कितनी परसेंटेज सो बटे जीरो पॉइंट वेट ऑफ तो पच्चीस नाइन परसेंट